शुरुआत कितनी जल्दी चलू माता मम्मी दो वीडियो च मैं सिखाया गा कि चलो शुरू हो जाओ है सारे दिन मम्मी इनिया मतलब आए बोल दिया मैं तो आके मैं तो होंदिया ने गया कर गया मैं आपा सैंपल बंदे आ गए अच्छा तो सिंपल था मतलब तो सिंपल ही है मैं सैंपल लाना अच्छा ताई तो सारे सब्सक्राइबर जिन्ने YouTube फैमिली पसंद कर दिया साडे तो भी ज्यादा तो अड्डी फैन फॉलोइंग है ना कि और किया वाह सो वेलकम जी वेलकम बैक टू आवर चैनल कैसे आप सब लोग सो गाइस कल की जो वीडियो थी बैकपैक की हॉस्पिटल बैकपैक की आपने बहुत प्यार दिया ट्रेंडिंग में जा रही है वो वीडियो मुझे भी नहीं पता था ट्रेंडिंग में जा रही है वो मुझे इंस्टाग्राम में मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने डीएम किया कि मैम कल वाली वीडियो जो है ट्रेंडिंग में है सो थैंक यू सो मच आपने इतना प्यार दिया कि वो वीडियो ट्रेंडिंग में गई है और मतलब कल वाली वीडियो में इतने ज़्यादा सजेशंस आए हैं कि हम कौन सी चीज़ें भूल गए हैं जो कि हमने अभी तक हॉस्पिटल बैग में पैक नहीं की है तो वो मैं ज़रूर पैक करूँगी पर कुछ मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है क्योंकि कुछ ऐसे आइटम भी बताए गए हैं जो मम्मी को नहीं पता और मुझे भी नहीं पता तो उसके लिए मैं एक स्पेशल Q&A रखूँगी कल या परसों वाली वीडियो में ताकि मुझे भी क्लैरिटी मिल जाए कि वो चीज़ एक्चुअली है क्या और हमें वो क्यों लेके जानी है हॉस्पिटल एनीवेज आज की जो वीडियो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज होगा क्यों होगा मम्मी तो सवाल आज मम्मी से पूछा जाएगा कि मतलब मम्मी बताएगी कि जो हमने बेबी के प्रोडक्ट्स बाय किए हैं वो किस काम आएंगे किस यूज आएंगे क्योंकि जब हम लोग हुए थे उस टाइम पे ये सारी चीजें नहीं थी तो मम्मी को कुछ आइडिया नहीं है भी इतना कुछ यू नो आजकल होने लग गया मिलने लग गया बेबी का जो पहले था ही नहीं तो देखते हैं कि मम्मी इन सब प्रोडक्ट को यू नो पहचान पाएंगी कि ये कब यूज करने हैं बेबी के लिए और ये प्रोडक्ट्स क्या हैं मैं तो पहला ही उन्होंने पूछा सी का भी ये की करने वाला की करने वाला मैं तो कुछ पहले उदे नहीं पता सी का हां भी की दस है ना चलो फिर शुरू करते हैं कहां से शुरू की जाए तेरी कितने शुरू की थी यार ना सामने जड़े पैसे चख ले यहां से शुरू करते हैं सो ये एक प्रोडक्ट है जो विक्की ने ऑर्डर किया था और ये किस काम आएगा मम्मी बताएगी ये बोतल तो हम देखो मम्मी मेरी बोतल तो दी एक नहीं मेरी बॉटल तो धोने के लिए चेक करें ऊपर है मतलब ये मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने ही भेजा था कि इसको बाय कर लेना चलो ठीक है मम्मी को एक पॉइंट ये किस लिए माता ये बच्चे को दूध पिलाने के लिए इधर लगा के बच्चे को बना मम्मी शायद कर सकते हो ये थप्पर होता ना बच्चा ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਡ ਟਾਈਮ ਸੀ ਇਹ ਹਾਂ ਨੋ ਨੋ ਇਹ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਕੋ ਸਹਿ ਜਾ ਸੀਗਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਐਵੇਂ ਹੱਥ ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਤਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤਾਂ ਹੱਥ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਆ ਕੀ ਇਹ ਬੋਤਲ ਦਾ ਕਵਰ ਬੋਟਲ ਦਾ ਕਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ अच्छा ये बताओ कि सच में अंदर राई है सच में अंदर राई है राई का पिलो है ना और ये तकिया ना हां पर ये राई क्यों पाई थी ये तो पता नहीं उनका पाई थी नहीं है बच्चे ले चुगो वो मेरे सब्सक्राइबर बताएंगे मम्मी को आप लोग बताओ कि राई वाला तकिया क्यों यूज करना चाहिए कमेंट पे जो मुझे बताया गया है जब मैंने लास्ट टाइम इनको दिखाया था तो इन्होंने बोला था राई वाला जो पिलो है इसलिए यूज करना चाहिए क्योंकि कई बार क्यों होता बच्चे जब पैदा होंगे तो उन्होंने सर टेढ़े मेढ़े होंगे गोल हो जाते हैं मतलब पता कि साइंटिफिक का कहते हैं कि ये गोल हो जाते हैं सो इसलिए मोस्टली ये वाला जो पिलो है ना बहुत लोगों ने रेकमेंड किया मुझे कि आप राई वाला पिलो तो जरूरी लेना और है जी बोल ही लेते हैं पैक मंगवाया था मैंने ये मदर स्पर्श का प्योर वाटर का वाइप्स उसके किए हमें ये पोटी साफ कर रहा है
40 ਸਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਪੜਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਗਿਲਾ ਕਰਕੇ ਕਪੜੇ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਦ ਉਹ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਗਿੱਲੇ ਗਿੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੈਟ ਵਾਈਪਸ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੇ ਮਦਰ ਸਪਰਸ਼ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ये भी सारे रेकमेंडेड है जो आप लोगों ने मुझे रेकमेंड किए थे और उसके बाद आते हैं इस सो ये तो मम्मी को पता है कि ये कैप है राइट है ना मम्मी ये तीन कैप है ये क्या है एक ये और दो ये तो जरा पॉइंट है हां तो जरा पॉइंट हां ये हाथ तो कौन आ गया आगे आहा तो नाम ना नाम ना ये भी हाथ तो कौन है हां तो भाभी जरा आप तो दो पैर अच्छा होगी ना हां आ तो जरा पा गई हां दो ये हाथ आ गया आगे पहला हुंदे सीगे हां नो पर अच्छे हैं ढकन वास्ते यूज किया जाता है ये भी एक ब्लैंकेट हो गया ये अगेन जो भी मम्मी ने व्हाइट दिखाया था वैसा ही पिंक लिया है और यार ऐसा कुछ नहीं है कि पिंक है ब्लू है जो भी है मुझे लगता है बेबी हर बेबी कलर्स है यार हर कोई पहन सकता है ऐसा कोई जेंडर यू नो वैसा नहीं है वो तो तेरे बड़े बिटू ले आवे सी मेरे लिए ब्लू लिया और विक्की ले पिंक हां इधर ना चेक करा सी और दिस वन तुम चेक कर चेक करा सी आके इधर टोपी जो सराना ले मेरे टाइम पे कुछ होता सी कपड़े तुसी बड़े वाले देंदे सी ऐसे कपड़े लपेट के कपड़े ला दूंगा सी इधर ना सर हो इधर ना हो इधर कपड़ा लाता इधर लाना सो ये एक मैंने मसलिन क्लोथ मंगवाया था एक ये वो उधर ला के बच्चे नु ओ मोटे ते ओ ला के दद्दा तो ना कर दे इधर इथे जाके नु ओ करना की कहते होंदे आ अपन ना हो तो ओ हाथ मारे कटा रहा हां दूध की तो है ता तो उस टाइम भी का अंदर कपड़े कपड़े नहीं से आ रहे थे वे हम थोड़ा ही एडवांस हो गया ना सारा कुछ रखने लगा व्हाट इज दिस ਇਹ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਆ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮਸਲਿਨ ਕਾਟਨ ਕਲੋਥ ਹੈ 100% ਕਾਟਨ ਹੈ ਜੋ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ ਬਲੋਨੀ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਥੱਲੇ ਪਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕੋ ਮਤਲਬ ਜਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਲਪੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੱਤਾਂ ਹਿੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇੱਕਦਮ ਰੈਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਲੋਥ ਯੂਜ਼ ਹੋਗਾ ਕਾਟਨ ਦਾ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੇਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਬਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ इसलिए रैप करते है कमेंट करके बताना यार मैंने सही बोला या नहीं बोला स्पेशली नींद के टाइम सोते हुए भी रैप करके बच्चे नु आए पांदे ने भी मम्मा की पहला तो कोई नहीं होने और होना हैगा थोड़ा सा ब्रेक रहूंगा फिर तो मैं लता वहां मारनी है नहीं गया फिर तो कोई रात में पेट के मैं बच्चा रात में डरे ना या कुछ होना ये तो वो थोड़ा कौन तो पे होना है थोड़ा ना साडे भी हुंदा सी ना कि चोचले हो गए ना वैसे देखा जावे तो
मैंने 3 का पैक मंगाया था स्वेटर का, और ये तो मम्मी ने बताई दिया क्या है। मम्मी व्हाट इज दिस? और इसका ही मैंने 3 पैक मंगवाए हैं। अभी फिर बोलोगे कि पिंक की पिंक क्यों है, मैंने कुछ सोच सोच के नहीं मंगवाया है, मुझे अच्छा लगा तो मैंने ऑर्डर कर दिया। और ये है, ये क्या है, ये है नर्सिंग क्लोथ है ये। मैंने लगा रसोई वाला एप्रन है, एप्रन टाइप ही है पर ये नर्सिंग क्लोथ है, पीट के टाइम पे यूज होगा। सो ये मंगवाया हुआ है लिक्विड क्लींजर, किस लिए मां ये है बॉटल्स वगैरह वॉश करनी है, अगर लाइक बच्चा रैटल्स वैटल्स भी आप धो सकते हो इस क्लींजर के साथ, मतलब अगर डर्टी हो जो भी हो, स्पेशली ये बॉटल क्लीन करने के लिए मंगवाइए। ये तो सबको पता है कि ये क्यूट क्यूट हैंगर्स हैं बेबी के जो मंगवाए गए हैं। और अपने आप ही उतर जाती है। और ये है मम्मी को ये पता ही है, ये बॉटल है, बॉटल के लिए ना, फीडिंग बॉटल के लिए मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मैं कौन सी ऑर्डर करूँ, और फिर मेरे सब्सक्राइबर ने इतने ज़्यादा यू नो कमेंट्स करके मुझे रेकमेंड किया, इवन इंस्टा पे भी डीएम किया कि डॉक्टर ब्राउन की जो बॉटल है वही आप बाय करना, बहुत ही अच्छी है। पता नहीं अभी अभी भी कंफ्यूज है कि हम लोग कांच की बॉटल या स्टील की बॉटल यूज़ करें, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि डॉक्टर ब्राउन बेस्ट है, स्टील की बेस्ट है या कांच की बेस्ट है, तो हम वही यूज़ करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि प्लास्टिक की बॉटल यूज़ हो। तो ये मैंने 2 मंगवाई थी, एक थोड़े बड़े साइज़ की और एक छोटे साइज़ की है, तो जो बड़े साइज़ की है वो अभी तक आई नहीं है, तो फिलहाल ये अभी यहीं पर है। उसके बाद ये उसके है नेल्स का, जो भी अगर बड़े होंगे तो कट करना या फाइलिंग करना, तो उसके लिए वो देखते हैं कभी यूज होगा। देन बेबी के टॉयलेट्रीज, जो कि बेबी के को नहलाने यू नो जो भी टॉयलेट्रीज होंगी, वो मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, सेवा मेट की ये किट आती है आपको, जिसमें आपको सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। सो ये है बॉडी सेवा मेट क्रीम एक्स्ट्रा सॉफ्ट, ये है जेंटल वॉश, उसके बाद है ये शैम्पू सेरोमेट का, और ये है बॉडी लोशन, पर बॉडी लोशन मैं नहीं यूज़ करूँगी, इसकी जगह मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करूँगी, कोल्ड प्रेस्ड जो वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है, तो ये यूज़ नहीं करूँगी। इवन रैश क्रीम की जगह भी मैं ऑयल ही यूज़ करूँगी, क्योंकि जितने भी मेरी फ्रेंड्स हैं जिनके बेबीज़ हुए हैं या मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं जिनके बेबीज़ हुए हैं, तो उन्होंने स्ट्रिक्टली ये क्रीम्स मना किया है मुझे यूज़ करने के लिए, पर फिर भी मैंने ऑर्डर कर दी, उन्होंने कहा कि ऑयल ही यूज़ करना। सो गाइज ये सारे फिलहाल एसेंशियल प्रोडक्ट हैं जो बेबी के मम्मी ने बाय किए हैं, मैंने बाय नहीं किए हैं, और रह गए हमारे क्लोथ्स आई थिंक मम्मी बाद में ही बाय करेंगी, जब पता चलेगा कि बेबी बॉय है और बेबी गर्ल है उसके हिसाब से क्लोथ्स बाय किए जाएंगे। फिलहाल ये चीज़ें तो बॉय हो या गर्ल हो, ये सारी चीज़ें तो वैसे भी यूज़ में आने वाली हैं, तो ये सारी चीज़ें पहले मम्मी ने ऑर्डर करके रख लिया है, क्योंकि हमारी फैमिली मेम्बर में इतने लोग तो हैं नहीं कि यू नो हम ही लोग हैं जो उस टाइम पर मुझे इन लोगों की वहाँ पर ज़रूरत होगी, तो एक बंदा सामान इकट्ठा करने के लिए भागेगा, तो हमने सोचा कि पहले ही ये सब चीज़ें यू नो जो ज़्यादा ज़रूरत वाली है बाय करके रख लें, तो ये हमने पहले ले लिया है। मम्मी को पता भी है इतना चीज़ों का, इतना सामान का वो तो विक्की ने बता दिया, हाँ मैंने बता दिया कौन कौन सी चीज़ें आप मतलब चाहिए होती हैं। सो मोस्टली मम्मी ने ऑलमोस्ट सारे जितने भी मैंने प्रोडक्ट वगैरह ऑर्डर करवाए हैं सारे गेस कर लिए हैं, क्योंकि अभी ऑब्वियसली 2023 के ज़माने में रह रही हैं, तो हमारे साथ रह रहे कि बहुत कुछ सीख रही हैं और पता भी चल रहा है, पता भी चल रहा है, मतलब मम्मी फुली ट्रेंड हो गई विक्की तेरे टाइम के लिए। वही तो मैं बोल रही थी,
ਅਭੀ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚੱਲਦੇ ਆ ਗੋਡੇ ਆਵੇ ਕਰ ਲਓ ਥੋੜਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਦੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਹੋਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਗੋਡੇ ਫਿਰ ਕਰ ਦੋ ਫਿਰ ਬੰਦ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਦੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਟਾਟਾ ਹਾਂ ਟਾਟਾ ਕਰ ਦੋ बहुत बढ़िया लग रहे हैं जो बच्चे हो करते हैं। थैंक यू गाइस, सी यू टुमारो नए व्लॉग में, बाय बाय।